नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। कानपुर देहात में असले की दहशत में एक बुजुर्ग की जान ले ली। जी हाँ, दरअसल दो पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक आ गई। इस दरमियान एक पक्ष ने लाइसेंस रिवॉल्वर एक व्यक्ति पर तान दिया। ये मंजर देख उस व्यक्ति के बुजुर्ग बाप को हार्ट अटैक आ गया और बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग की मौत की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमने पैसे मांगे थे अपने अखलाक डबल बैरल के, तो समाजवादी ने कहा था कई रात तक कब पैसे लिए, क्या किया, तो फिर बोला प्रधान से बोला कितने पैसे लिए थे, तो हमने कहा 50,000 रुपये लिए भाई, क्यों नहीं दोगे, अब नहीं तुम्हारी सरकार नहीं रही, तो जो इस सरकार में फैद हो जाए। तो नेक इंसानियत से मांगे तो वो लोग चढ़ के आ गए मेरे घर पर और मुझे खींच के लिए जा रहे थे अपने घर की, खींच के इसको अंदर करो फिर मारो, उसको मार के तब 100 नंबर डायल करो तब इसकी पैसा नहीं मांगेगा, सर हमको खींचे लिए जा रहे थे। उसने हमारे पिताजी आ गए, उन्होंने पकड़ा और इसने जैसे रिवाल्वर निकाली, रिवाल्वर मारी कि फरसा एक लिए था, 2-3 लाठी लिए थे, उन्होंने पता नहीं क्या मारा, पिताजी गिर गए, हम तो बीच में थे और इतने में गिरने में उनकी मृत्यु हो गई। रिवाल्वर तानी थी आपके? जी, लगा दी थी। नाम था उनको? सुरेंद्र सिंह यादव, फनाप श्याम सिंह। इनका लेन देन का विवाद था, पहले चल रहा था, एक दो बार उन्होंने पैसे की मांग की, इसके बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए और जब इन्होंने कहा कि आज हमारे पैसे दो, तो बोले वहाँ से सभी लोग, उनके परिवार कितने लोग थे और मौजूदा हालात में आ गए, ये थे अकेले, हमारे जो घर परिवार के सारे लोग थे वो कहीं पे कल निरंतर था, वहाँ पे सारे लोग गए हुए थे। इसके बावजूद जैसे वो इनको अकेला समझ के सब लोग एकत्रित होकर इनके ऊपर हावी हो गए और उनके पास लाइसेंसी रिवाल्वर है, उन्होंने इनके ऊपर लोग बता रहे गाँव जो कि मोहल्ले के लोग हैं कि हाँ रिवाल्वर थी मतलब, और इनको लगाई है और चला ही नहीं, तो ये लोग डर गए और इनके पिताजी बीच में आ गए, इनके पिताजी, तो उन्होंने सोचा कि लाओ लड़का है बीच बचाव करते हैं, हटा दें इनको, तो उसने क्या उन्होंने क्या नाम बचाने को इसकी, तो उनके पता नहीं क्या उल्टा सा लगा किसी चीज़ का, तो वो वहीं गिर के ऑन स्पॉट मौत हो गई। अच्छा ये बताओ कि अभी तक FIR लिखी गई आपकी? अभी तक FIR हाँ पुलिस ने गई, पुलिस शाम को 100 नंबर का कॉल की गई। नहीं मुकदमा लिखा गया अभी उन लोगों के खिलाफ? अभी मुकदमा नहीं लिखा गया, हमको तो नया चाहिए। अब जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस इसमें हीलावाली कर रही है? कर रही है सर। ऐसे कैसे चल सकती है, एक गोली चलाई दूसरे की चलाई, पुलिस ने हमसे दबाव बनाने की कोशिश की। आरोपी गाँव में है, गाँव से आरोपी फरार। सूचना है कि हाईवे मोड़ी जिसमें गाड़ी में डेथ हो गई, वहाँ पर स्थानीय पुलिस पहुंची, पर जानकर गई हुई कि गाड़ी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, गाँव के लोगों को लाइसेंस करवाने के लिए लाइसेंस बनाने के पैसे मामला था, जिसमें अपनी कहा सुनी हुई जिसमें बुजुर्ग हमारे घर के जो थे वो गिर गए, मृत्यु हो गई, हाईवे की जैसी कोई घटना नहीं हुई, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कानपुर देहात से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।